एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ लॉन्ग फेस के लिए 3 ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल। पार्टी में, शादी में, फंक्शन में, नॉर्मली आप कहीं जा रहे हो तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी अच्छे लगेंगे और इंडियन ड्रेस के साथ भी अच्छे लगेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टा आई डी PreetyY24 है। तो जब भी आपका फेस अगर लॉन्ग है, आपको हेयर स्टाइल बनाना है, तो आप हमेशा साइड पार्टीशन रखें। एक साइड का हेयर आपका कवर होना चाहिए और एक साइड का हेयर आपके फेस पे इस तरीके से आना चाहिए, जिससे कि आपका लॉन्ग फेस का थोड़ा सा फेस को थोड़ा सा फ्रेम मिल जाए एंड आपका लॉन्ग फेस अच्छा और ब्यूटीफुल दिखे। तो मैंने यहाँ पर साइड पार्टीशन कर ली है। देन यहाँ से मैं एकदम पतला पतला सेक्शन ले रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे फ्रेंच ब्रेड भी बना सकते हो और चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। एक लाइन में बनाना है, जैसे साइड स्कैल्प पे हेयर फॉल होने की वजह से अगर हेयर बहुत कम है तो भी ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगेगा आप में। तो इसको इस तरीके से मैंने बना लिया है। बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं ले जाना है, जैसे क्राउन एरिया तक ले जाके आपको इस तरीके से इसको सेट कर लेना है। टिक टिक क्लिप, बॉबी क्लिप आपकी चॉइस है, आप जो भी लगाना चाहो जिससे आपको कंफर्टेबल फील हो वो क्लिप आप यहाँ पे ऐड कर दो। एंड अगेन सेकंड वाला पार्ट लेना है, थोड़ा थोड़ा हेयर ऐड करते जाना है। आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी इसी टाइप के हेयर स्टाइल की वीडियोस मिल जाएंगी तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। लॉन्ग फेस के लिए 3 बहुत ही ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइल बता रही हूँ। पार्टी वियर हेयर स्टाइल है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लहंगे के साथ, गाउन के साथ भी आप ये वाला हेयर स्टाइल बना सकते हो। अभी जो मैं बना रही हूँ, थर्ड लेयर ले रही हूँ। टाइटली रखना है, लूज नहीं पड़ना चाहिए आपका हेयर स्टाइल। जैसे जो आप ट्विस्टिंग कर रहे हो ये लूज नहीं पड़ना चाहिए। अब आपको इसको टिक टैक क्लिप या बॉबी क्लिप से सिक्योर कर लेना है। यहाँ पे मैंने 2 क्लिप्स यूज किए हैं। यहाँ पे आप बड़ी बड़ी बालियाँ, झुमके, इयररिंग्स, जो भी चाहें वो डाल सकते हो जिससे कि आपका लुक और अच्छा दिखे। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। ये वाला लेयर थोड़ा सा लूज लग रहा है तो इसको मैं और टाइट कर लेती हूँ जिससे कि जो हमारी लाइनिंग है वो प्रॉपर दिखे। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल है लॉन्ग फेस के लिए। आप चाहो तो इस साइड के सारे बाल पीछे की तरफ रख सकते हो और सारे बाल एक साइड ही रख सकते हो जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो अच्छा दिखे। अगर आपको फेस पे हेयर पसंद नहीं है, वैसे तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप फेस पे रख पाओ हेयर, और फिर भी अगर आप नहीं रख सकते हो तो आप यहाँ से थोड़ा सा हेयर लेके यहाँ पे टिक टैक क्लिप की मदद से सिक्योर कर सकते हो और ऐसे भी छोड़ सकते हो। वैसे ऐसे ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। लॉन्ग फेस के लिए चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में इधर का पार्ट ऐसे ही छोड़ेंगे, आप चाहो तो ओपन भी कर सकते हो और यहाँ से थोड़ा सा हेयर लेंगे और थोड़ा मोटा सा लेयर ले लेंगे बालों का। 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हम लोग फ्रेंच ब्रेड बनाना स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा थोड़ा लेयर इसमें ऐड करते जाएंगे। आप लॉन्ग फेस पे ये सारे हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा हेयर इसमें ऐड करते जाएंगे। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा गाइस। थोड़ा थोड़ा सा लेयर लेके बालों के साथ ऐड करते जाएंगे। देन चोटी को कंप्लीट करेंगे। टाइटली रखना है अच्छे से बालों को होल्ड करके।
लूज नहीं पड़ना चाहिए आपका जो हेयर स्टाइल है, वो चोटी जो बना रहे हो आप वो लूज नहीं पड़ना चाहिए। पूरा बैक साइड से हेयर को लेते जाएंगे एंड इसके साथ गूंथते जाएंगे फ्रेंच ब्रेड के साथ। फ्रंट से लेयर छोड़ना है एक साइड से, जैसे आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा मतलब आपका फेस अगर लंबा है तो आप इस तरीके से जैसे मैं लेयर छोड़ रही हूँ ऐसे ही आपको भी छोड़ते जाना है। ओके, तो पूरा हेयर हमारा आ चुका है ब्रेड में। अब इसको सिंपली गूथ लेंगे। गूथने के लिए एकदम थोड़ा थोड़ा सा लेयर लेके आपको गूथते जाना है जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो अच्छा दिखे। थोड़ा थोड़ा सा लेयर लेके गूथने से क्या होता है कि जैसे आपकी चोटी अगर बहुत छोटी है तो भी वो स्टाइलिश लुक दे देती है आपका। आपको सिंपल चोटी के मुकाबले आप इस तरीके से चोटी बनाते हो तो इसके बाद आपको सिंपली एक रबड़ बैंड यहाँ पे ऐड कर देना है। और थोड़ा थोड़ा सा हेयर स्टाइल को हेयर को इस तरीके से खींच लेंगे जिससे कि हमारी चोटी जो है वो थोड़ी सी वॉल्यूम देखे हमारे ब्रेड में। तो ये वाला सेकंड हेयर स्टाइल है जो कि लॉन्ग फेस पे बहुत ही अच्छा दिखेगा। ये लेयर्स ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आपको रबड़ बैंड दिखता है वो अच्छा नहीं लगता है तो आप यहाँ पे पतला वाला रबड़ बैंड यूज कर सकते हो, देन रबड़ बैंड को हाइड कर सकते हो। इस तरीके से थोड़ा और अच्छा लुक आ जाएगा इससे। और यू पिन से या फिर जो भी आप एक रबड़ बैंड भी लगा सकते हो पतला वाला नीचे में। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल है। बैक से कुछ इस तरीके का लुक आएगा। और इस साइड से ऐसा लुक आएगा। तो अगर आप खुला बाल नहीं रखना साथ चाहते हो, लंबी अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो ये हेयर स्टाइल बहुत प्यारा लगेगा। मेरे तो छोटे हैं तो इस टाइप का दिख रहा है, बट छोटे बालों पे भी उतना और नहीं दिखेगा। आप लंबे बाल हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाला हेयर स्टाइल। अगर छोटे हैं एंड आपको ये हेयर स्टाइल पसंद आ रहा है तो आप इसी के साथ तीसरा हेयर स्टाइल अपना कंप्लीट कर सकते हो। तो दो हेयर स्टाइल हमारे हो गए हैं। थर्ड हेयर स्टाइल के लिए आपको चोटी को पूरा एंड तक गूथ लेना है। पूरा चोटी एंड तक गूंथने के बाद से लंबे फेस वालों के लिए बता रही हूँ, तो जिसके भी हो सकता है कि ये वीडियो आपको आपके लिए मतलब आपको उतनी ज़्यादा इस वीडियो की ज़रूरत ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको जिनके फेस लॉन्ग होंगे आपके जान पहचान में, तो आप प्लीज़ ये वीडियो उन लोग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोज़ आप लोग के साथ शेयर करते रहती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइज। आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जल्दी से जल्दी 1,000 सॉरी 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए। और इस तरीके से सिंपली जूड़ा बना लेना है और जूड़े को यू पिन से सिक्योर कर देना है। दो तीन यू पिन्स लगा लीजिएगा जिससे कि जो आपका हेयर स्टाइल है वो लॉन्ग टाइम तक टिका रहे। हो सकता है आप फंक्शन शादी के लिए बना रहे हो तो आप अच्छे से हेयर को होल्ड कीजिए ताकि आपका जो हेयर स्टाइल है वो बिगड़े नहीं और लॉन्ग टाइम तक ऐसे का ऐसे टिका रहे। आप इसके साथ फ्लावर वाले जूड़ा पिन्स ऐड कर सकते हो जिससे कि आपके हेयर स्टाइल को और भी अच्छा लुक मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो। अगर आपको ये हेयर स्टाइल बन बहुत छोटा लग रहा है तो आप इसको डोनेट बन के साथ भी ऐड बना सकते हो। डोनेट बन के साथ कैसे बनाना है उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है साइड बन की, तो आप प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये थे आज के तीन ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल जो कि लॉन्ग फेस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो मेरा सेकंड चैनल है सिलाई कोर्स वाला उस पर जाइए, उसको भी सपोर्ट कीजिए, उस पर सिलाई कोर्स से रिलेटेड ऑल वीडियोज आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।